अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम जनरल मैथ क्लास 9th और इसकी जायजा मश्क ए का सवाल नंबर 2 हल करेंगे। सवाल नंबर 2 है खाली जगह पूर कीजिए। तो खाली जगह पे हमने इसका आंसर लिखना है। तो जुज नंबर 1 है 1500 का 30%। तो 1500 का हमने 30% मालूम करना है, ठीक है। तो इसका 30% मालूम करते हैं। जूज नंबर 1 1500 का 30%। इसकी जगह पे हमने ज़रब का निशान लिख देना है, का की जगह पे ज़रब 30%, ठीक है। 30% को हम ऐसे लिख सकते हैं ना, 30/100। 1500 को ज़रब करेंगे 30 से, 1500 ज़रब 30, तो ये आ गया 45,000। इसको तकसीम करेंगे 100 पे, तो ये आ गया 450। तो खाली जगह पे क्या लिखेंगे, 450। यहाँ पे हम लिखेंगे 450। तो ये खाली जगह को हमने फिल कर दिया। अब जुज नंबर 2, 15% की कसरी शक्ल। तो 15% की कसरी शक्ल हमने लिखनी है। तो फीसद को ख़त्म करेंगे तो क्या होगा, बटे में 100 आ जाएगा। तो 15 और 100 5 पे तकसीम हो सकते हैं ना, 5 3 15, 5 2 10 और 0, तो ये आ गया 3/20। तो ये इसकी कसरी शक्ल आ गई, 3/20 है। तो खाली जगह पे हम लिख देंगे 3/20। अब जूज नंबर 3, 7/25% की शक्ल में। तो 7/25 को हमने फीसद में तब्दील करना है। जूज नंबर 3, 7/25 इसको हमने फीसद में तब्दील करना है। तो क्या करेंगे, जिस रकम को भी फीसद में तब्दील करना है तो उसको 100% से ज़रब करना है। 7/25 को ज़रब करेंगे 100% से, ठीक है। तो ये फ़ीसद में तब्दील हो जाएगा। 100 को 25 पे तकसीम करेंगे तो क्या आएगा, 4 आएगा। 25 एक 25 25 4 100, 7 4 28, तो ये आ गया 28%। तो खाली जगह पे क्या लिखेंगे, 28%। जुज नंबर 4, 2/3% की शक्ल में। 2/3 को हमने फ़ीसद में तब्दील करना है, ठीक है। तो ये भी सेम पार्ट नंबर 3 जैसा ही है। जूज नंबर 4, 2/3, तो इसको भी 100% से ज़रब करेंगे। 2/3 ज़रब 100%, ठीक है। 2 को 100 से ज़रब किया तो क्या आएगा, 200/3%, 200 तकसीम 3, तो ये आ गया 66.66। तो ये आ गया 67, यानी कि 67%। तो यही हमने मालूम करना था। तो खाली जगह पे क्या लिखेंगे, 67%। जूज नंबर 5, 0.29% की शक्ल में। तो 0.29 को हमने फ़ीसद में तब्दील करना है। 0.29, तो इसको भी हम 100% से ज़रब करेंगे। 0.29 ज़रब 100%, तो ये फ़ीसद में तब्दील हो जाएगा। तो शारिया ख़त्म करेंगे तो क्या आएगा, बटे में 100। शारिया की जगह पे 1, बाकी 2 सिफर आ गए।
100%, 100 से 100 कैंसिल हो गया तो ये 29% आ गया। ठीक है, तो खाली जगह पे लिख देंगे 29%। जुज नंबर 6, ए निस्बत बी की निस्बत में ए एंटीसीडेंट है। ठीक है, ए क्या है? एंटीसीडेंट, एंटीसीडेंट। ए निस्बत बी की निस्बत में बी क्या है? कॉन्सिक्वेंट, कॉन्सिक्वेंट, कॉन्सिक्वेंट। तो ये कॉन्सिक्वेंट लिखेंगे। जुज नंबर 8, ए निस्बत बी तनासब सी निस्बत डी की तनासब में ए और डी, ए और डी को क्या कहेंगे? ये बाहर वाले हैं ना, ए और डी, इसको क्या कहेंगे? इसको कहेंगे तरफैन। ठीक है, जुज नंबर 9, ए निस्बत बी तनासब सी निस्बत डी की तनासब में तरफैन का हासले ज़रब। तो इसका हमने असली ज़रब मालूम करना है, ए और डी का। तो इसका असली ज़रब क्या होगा? ए डी। अब जुज नंबर 10, 2/3 निस्बत 3/5 की आसान शक्ल है। तो इसकी हमने आसान शक्ल मालूम करनी है, तो इसको हल करते हैं। जुज नंबर 10, 2/3 निस्बत 3/5, तो जो मखरज है इसका हम जुज़ाफ़कल मालूम कर लेंगे। 3 और 5 का जुज़ाफ़कल क्या होगा? 3 5, 3 1 3 5 वैसे आ गया, 5 1 5, 3 5 15। तो 15 से दोनों को ज़रब कर देंगे, 15 ज़रब 2/3 निस्बत 15 ज़रब 3/5, 3 1 3, 3 5 15, 5 2 10 निस्बत 5 1 5, 5 3 15, 3 3 9। तो ये आ गया 10 निस्बत 9। तो खाली जगह पे लिखेंगे 10 निस्बत 9। तो ये जुज नंबर 10 मुकम्मल हो गया, और इसी के साथ सवाल नंबर 2 भी मुकम्मल हो गया। और अगर आपको इसमें कोई डाउट हो तो आप लाजमी कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। और वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।